मैं आपको DI-55 के 3 मॉडल दिखाऊंगा। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ DI-55 टॉर्क प्लस। ये भाइयों 58 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और अपने सेगमेंट में इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है सबसे ज़्यादा टॉर्क होने वाला है और सबसे ज़्यादा CC होने वाली है। ये सिकंदर मॉडल है, टॉर्क प्लस सोनालिका की नई सीरीज है भाइयों। इसका जो इंजन है, बात करते हैं इंजन, तीनों ट्रैक्टरों में आपको सेम इंजन मिलेगा, 4087 CC का इंजन है जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा है। माइको बॉस का इनलाइन पंप है और इसका जो सेकंड हाईलाइट है, इसका जो टॉर्क 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क 58 HP किसी ट्रैक्टर में नहीं है। तो ये दो इसके प्लस पॉइंट हो गए, ठीक है जी। ये 58 HP के किसी ट्रैक्टर में नहीं है। बाकी इसका जो लुक है, काफ़ी भाइयों ने डिमांड की थी, किसान भाइयों ने, इसीलिए सोनाला कंपनी ने ये ट्रैक्टर लॉन्च किया और काफ़ी लोग उत्तराखंड के से पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। 4-stage ऑयल बाग वाला इसमें आपको एक लीनर मिलेगा, सिंगल पीस ट्रैक्टर का बोनट है। इसमें आपको लॉग भी मिलेगा और इसमें आपको LED लाइटें मिलती हैं, LED डिफर मिलेंगे। इसका जो फ्रंट एक्सल है ये काफ़ी हैवी होने वाला है। तीनों मॉडल में आपको फ्रंट एक्सल सेम मिलेगा, बैलेंस टाइप का पावर स्टेयरिंग है। इसके जो आगे टायर हैं MRF के हैं, 9/5/24 के, ठीक है जी। और वाटर सेपरेटर मिलेगा, ये इसका टूल बॉक्स हो गया। इस ट्रैक्टर में आपको शटल गियर मिलेगा 12+12 गियर आगे के, 12 गियर पीछे के। इस ट्रैक्टर से आप खन में भी काम कर सकते हैं, कोई सा भी काम करें, बहुत परफेक्ट ट्रैक्टर है। और बात करें इसकी क्लच की, तो इसमें आपको डबल क्लच मिलेगा, PTO क्लच इसमें आपको अलग से मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये इसका PTO क्लच है, ये अलग से मिलेगा, ये तीनों मॉडल में आपको मिलेगा, ठीक है भाइयों। और बात करें इसके डैशबोर्ड के बारे में, तो ये सोनालिका के जितने भी ट्रैक्टर हैं सभी में आपको सेम मीटर मिलेगा। टाइगर भी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइगर में कौन सा बदलाव वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी, इसमें आपको 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। ये इसके गियर लीवर हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। ये इसका हाई लो मीडियम का है। और इसकी जो सीट है ये एडजस्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। ये इसका फोर व्हील ड्राइव का लीवर हो गया भाइयों, और ये इसका हो गया डिफरेंशियल लॉक। और अभी मैं आपको इसकी SFC प्लेट दिखाऊंगा उस साइड से। इस ट्रैक्टर में आपको 12 वोल्ट का आपको मोबाइल चार्जर मिलेगा। ये तो सभी ट्रैक्टर में आ चुका है, बाकी जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है। आप बताएं आपको इसका प्लेटफॉर्म कैसा लगा। कंपनी ने यहाँ पे लिख के दिया है IPTO, यानी कि इंडिपेंडेंट PTO क्लच, ठीक है जी। इसके जो ब्रेक टायर हैं MRF के मिलते हैं, 16/28 के मिलेंगे। और ये एक्स्ट्रा ग्रिल दी हुई है जो कि ट्रैक्टर के लोगों को काफ़ी अच्छा बनाती है। पिछला हिस्सा देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी हैवी है। इन बोर्ड रिडक्शन में ट्रैक्टर आता है, ट्रॉली काफ़ी अच्छी खींचता है, आप जानते ही हैं। डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको ट्रैक्टर में मिलते हैं। और ये रिफ्लेक्टर हो गया, बाकी ये फेंडर देख सकते हैं आप लोग, ये मडगार्ड की वाइब्रेशन कम करने के लिए दिया हुआ है। और लिफ्ट पट्टी भी इसकी काफ़ी हैवी दी हुई है। और हिच आप चाहें तो काफ़ी ऊपर लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ टाइगर, ठीक है भाइयों। तीनों मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कीमत में कितना डिफरेंस है। बाकी आप बताएं आपको तीनों में से कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है भाइयों, क्योंकि लेना आपको है। ये भाइयों आपके सामने टाइगर, इसका जो लुक है एरोडायनामिक, इसका लुक है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। सिंगल पीस बोनट तीनों ट्रैक्टरों में आपको मिलेगा, यहाँ से खुल भी जाएगा। देख सकते हैं भाइयों इसमें आपको जो लाइटें मिलेंगी, LED प्लस हेलोजन दोनों लाइटें मिलती हैं। और ये टाइगर का लोगो है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। बहुत कम टाइम में सोनालिका ने काफ़ी अच्छी तरक्की कर ली है और 2200 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। सोनालिका की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, सोनालिका जो भी फीचर्स लाता है नया तो लिख के देता है। इससे मतलब क्या होता है, किसान भाई जागरूक होते हैं, ठीक है भाई। वो बाकी ये इसका वेट हो गया। फ्रंट एक्सल दोनों का सेम है, आगे टायर दोनों के 9/5/24 के हैं। 4D एयर कूलिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है भाइयों। पावर स्टेयरिंग यहाँ पे लिख के दिया है, बैलेंस टाइप का इसमें आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा। और